तो दोस्तों आप मेरे साथ इस बुक ऑफ ल्यूमिनस थिंग्स में आप मेरे साथ हैं ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है आपके सामने कविता पढूंगी एडा लिमोन वो एक अमेरिकन कवि हैं इनकी ये कविता मैंने पिछले साल ही पढ़ी थी और जैसे एक होता है ना एक कविता क्या एक कविता क्या करती है जब हम उसको पहली बार पढ़ते हैं सबसे पहले तो यही लगता है कि हाँ 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 ऐसा है ऐसा है ऐसा है और ये ये अनुभव मेरे इतना अंतरंग था लेकिन मेरी भाषा में नहीं था मुझे कहना नहीं आता था ये कविता जब मैंने पढ़ी तो मैं इसी तरह का मुझे कुछ दिन मुझे इसी तरह का एक पैशन एक जैसे एक पैसेज यू इस तरह की मनस्थिति बनी रही तो ये कविता मुझे बहुत अच्छी लगती है हालांकि ये ऐसी जिज्ञासा मुझे लगता है बहुत सारे लोगों में जागती है जब हम घोड़ों को या गाय भैंसों के बछड़ों को देखते हैं मनुष्य के बच्चों की तुलना में कि वो इतनी जल्दी बड़े कैसे हो जाते हैं कि पैदा होते ही वो चलने कैसे लग जाते हैं देखा तो शायद हम सबने था लेकिन इस इस कवि ने देखिए उसको कैसे देखा और मनुष्य के जीवन के साथ प्रेम के अनुभव के साथ उसको कैसे जोड़ा ये कविता है मुझे पहले नहीं मालूम था कैसे घोड़े दूसरे घोड़ों को जन्म देते हैं ये नए जन्मे घोड़े नवजात शिशु जैसे तो नहीं बित्ता भर जगह घेरने वाले प्राणी ये नहीं ये पहले से ही अपनी माँ के पीछे चलने के लिए चार पैरों पर आतुर खड़े हैं एक घोड़ा दूसरे घोड़े को जन्म देता है और अचानक से यूं ही दो घोड़े दिखाई देते हैं मैंने भी तुमसे ऐसे ही प्यार किया तुम रेड बैंक से हाथों में अपनी बाजू जितना लंबा कॉफी का कप लिए लंबी रेलगाड़ी से उतर रहे थे तुम्हारी बगल में दो कंप्यूटरों की वजह से भरकम हुआ बैग झूल रहा था मुझे याद है हमने जैसे ही एक दूसरे को देखा हमारी हंसी छूट गई हमारे बीच जो हुआ वह कोई नाजुक गुनगुना प्यार भर नहीं था कि जिसे लाड प्यार करके जाने दिया जाए ये भरा पूरा सुघढ़ प्रेम था सरपट दौड़ने को तैयार ये ये कविता एडालिमोन की वट आई डिड नॉट नो बिफोर